बिल्लू को फोन करते। हेलो बिल्लू, तुम्हें प्लान अच्छे से याद है ना? सही समय पर तुम्हें शोर मचाना है और वहाँ जितने भी लोग हैं सबको पहले से कॉन्फिडेंस में लेके रखना है। ओके गुड, अब सब लोग अलर्ट रहिए, प्लान बहुत अच्छे से चल रहा है। यही तरीका है हमारे पास इस अतुल को समझाने का कि इज्जत और बेइज्जती के बीच फर्क क्या होता है। क्यों छोड़ा था इसने सुमन को, याद है ना? क्योंकि एक बदमाश ने सरेआम सबके सामने सुमन के साथ बदतमीजी की और अतुल और अतुल के माँ बाप का कहना है कि इस सब में सुमन की इज्जत चली गई। उस लड़के की नहीं, सुमन की इज्जत चली गई। और अब उन्हें पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है और बेइज्जती क्या होती है। ऑल द बेस्ट। ओके मैडम, समझाएंगे। अब बैठिए, सब लोग बैठिए बैठिए बैठिए। ओके डॉक्टर साहब, पेशेंट भेजिए। जी सर। मैम आप जाइए, आपकी बारी है। चलिए। क्या है ना मोहतरमा, किसी दूसरे को भेज दीजिए, अभी हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। बेगम थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे अरे बैठो तो थोड़ी देर। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर योगेश, आप अपने बेटे को लेके जाइए। बस क्यों जाएगा, ये तो पहले है, हम तो नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट में जाएंगे, इनको भेजो पहले। आप जल्दी जाइए, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ जाने जाने यही पे जाना। हाँ पापा आगे आगे। चल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको कोई बीमारी तो नहीं, सर्दी खांसी? जी नहीं है, तो इसका इलाज करो, चेक करो इसको। अच्छा ठीक है, आप यहाँ आगे बैठिए। बैठे बैठे। जी बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब सांस 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 में बहुत तकलीफ है, सांस बराबर ले नहीं पाते, अटक अटक क्या थी? देखिए मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, आपको किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए। दांतों में ही दर्द है, मतलब सांस की वजह से दांतों में दर्द है? सांस यहीं से ना यहीं दांतों में अटकी हुई है। तो वो बहुत दर्द होता है दांतों में डॉक्टर साहब, वो फोड़ा फोड़ा ऐसे नहीं, वैसा वाला दर्द होता, फोड़े जैसा दर्द होता है। अभी ने भी ध्यान लीजिए वरना हम यहाँ से चले जाएंगे, कह रहे हैं। ठीक है ठीक है, वही ध्यान देंगे। बस सुरभि जी सर, इनको दो इंजेक्शन लगा दो। दो इंजेक्शन? आइए मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। इंजेक्शन की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? इसकी जरूरत है, इसी से आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। नहीं, काम कीजिए, परेशान मत होइए, मैं ही लगा देता हूँ। सुरभि एक काम करो, तुम इंजेक्शन लेकर आओ। जी सर। हम ही बेवकूफ हैं, गधे हैं, हमेशा फंस जाते थे, पूरी जिंदगी भुगतना है हमको, अगर नहीं सुधरे तो ऐसे भुगतते रहेंगे पूरी जिंदगी, अचंभा ना लायकों की तरह। किसी की बातें सुनते, अपनी बातें सुनते, जैसे पागल। चलिए अंदर चलते हैं। हो गया आपका? हाँ आज का कोटा पूरा हो गया है, चलिए चलिए। हमारी हमारी तबीयत बहुत नासाज है, ठीक नहीं लग रहा है हमें, हमें जाना। आइए 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 मुदर आइए। अरे मैम मैम इमरजेंसी, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है, पेट में दर्द कैसे हो सकता है? ठीक करिए, ये हमारी बेगम गायबा है, हमारी लगते जिगर। ज्यादा नहीं हो रहा है आपको? एक काम करिए, नहीं यहाँ बैठा दीजिए, बैठो बेगम, आराम से आराम से आराम से बेगम। और सुरभि इन्हें बाहर ले जाइए। बेगम साहिबा आप लोग भी बाहर जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। अंदर में जल्दी एग्जिट करना है, या बड़ा मैंने जो बात की। हाँ बताइए क्या हुआ आपको? हमारे जो दांत है ना, हम कुछ भी खाते हैं ना तो एकदम झुनझुनी सी आ जाती है यहाँ। ठीक है मैं आपको दवाइयाँ लेके देता हूँ। मैडम सर से एक बात पूछनी थी, जाके आता हूँ। हाँ। भगवान है भगवान है भगवान, कहाँ हो भगवान? अरे ये डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, चलना दे चलना। इन डॉक्टर साहब ने हमें किसी को मुंह निकालने के लायक नहीं छोड़ा।
बहा दूंगा, कटा लो, गारत कर दूंगा, यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। काम नवाबता के डॉक्टर ने आपके मोहतरमा के साथ एकदम बेहूदा हरकत की। वो हरकत क्या की मैं आपको सबको बता नहीं सकता। वो हरकत कहते वक्त मुझे लज्जा आती है। या अल्लाह, हम किसी को मुंह निकालने के लायक नहीं रहे। एकदम जा डॉक्टर होके इतनी घिनौनी हरकत, शर्म आनी चाहिए आपको। कैसा गिरा हुआ इंसान है, अपने मरीज के साथ में ऐसी चिचोरी हरकत। छी डॉक्टर छी, दांत में दर्द है, ठीक ठीक कैसे बोल पाती हूँ। चलो भाई चलो, हमें नहीं कराना यहाँ अपना इलाज। अरे मेरी बात तो सुनो। चलो हम भी चलते हैं। हाँ पापा चलो। आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था सर। मुझे नहीं करना आपके साथ काम। अरे सुनो तो, क्या किया आप लोगों ने, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आप जी डॉक्टर साहब, इसे कहते हैं सही मायने में इज्जत जाना। अब तो आप और सुमन एक जैसे ही हो गए, दोनों की इज्जत नहीं रही। बधाई हो। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। पुष्पा जी चले, चलिए आइए पुष्पा जी चले। हाँ चलिए। मेरे बेटे की सालों की कमाई इज्जत आज मिट्टी में मिल गई मैडम जी। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन आएगा इसके क्लिनिक में, कौन मानेगा इसे डॉक्टर? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया मैडम जी, और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे आपने हमारे बेटे की इज्जत लूट ली। कैसे? कैसे का क्या मतलब? कैसे का मतलब कि कोई किसी की इज्जत कैसे लूट लेता है। ऐसे ही जैसे आपने छीनी है मैडम जी। आपने इस पुलिस स्टेशन के इन महिला को भेजकर मेरे बेटे पर जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया। ऐसा आ रहा है मैडम सर कि इनको लग रहा है कि पुष्पा जी ने इनके बेटे पे गलत इल्जाम लगाया और इनके इज्जत का कचरा कर दिया। हाँ। मतलब आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, आप लोगों का इज्जत चला गया है, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। नहीं पर पुष्पा जी ऐसे कैसे इनका इज्जत खराब कर सकती है? नहीं मतलब ये आपके सुपुत्र हैं तो इनको तो अपना इज्जत संभाल कर रखना चाहिए ना। ऐसे अपना इज्जत खुला छोड़ देंगे तब तो कोई भी लूट लेगा ना। मतलब अरे कोई कैसे अपनी इज्जत कैसे संभाल कर रख सकता है? मेरे बेटे को नहीं पता था ना कि आपकी ये महिला आएंगी और वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जाएंगी। तो ठीक उसी तरह सुमन को भी नहीं पता था कि कोई सड़क छाप आएगा और उसके साथ ये हरकत करके चला जाएगा। सुमन, आपके बेटे के साथ गलत हुआ आपके हिसाब से आपके बेटे का इज्जत गया, ठीक वैसे ही सुमन के साथ हुआ था आपके हिसाब से सुमन का इज्जत गया। उस आवारा घटिया और सड़क छाप घटिया लड़के का इज्जत नहीं गया जिसने सुमन के साथ इतना घटिया बर्ताव किया। जैसे समाज ये नहीं देखता है कि गलती किसका है, वो सिर्फ इल्जाम लगाता है, ऐसे ही समाज ये भी नहीं देखता है कि इल्जाम सच्चा है या झूठा, वो इल्जाम होता है जो आपके बेटे पे लगा और आपके बेटे का इज्जत चला गया। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, क्यों आप लोग अब तक उसी पुरानी सोच में अटके हुए हैं? क्यों किसी बदमाश की गलती की सजा किसी निर्दोष को दे रहे हैं, अपने ही घर की बच्ची को जबरदस्ती गिल्टी फील करा रहे हैं कि उसी ने कुछ गलत किया होगा? हर इंसान की इज्जत खुद उसके हाथ में होती है, उसके काम में होती है, उसके तौर तरीके में होती है, उसके बर्ताव में होती है, किसी सड़क पर चलते आवारा बदमाश के हाथ में नहीं होती। I'm sorry, सुमन। बात तो पहले भी समझता था लेकिन आज उसे महसूस भी कर लिया। गलत तो गलत होता है, फिर चाहे कोई भी हो। आज मैं अपनी गलती सुधारने की शुरुआत करता हूं। मुझे माफ कर दो सुमन,
आज समझ में आया कि इज्जत कोई मोबाइल फोन या पर्स नहीं, जो कोई राह चलता चोर उसे छीन कर भाग जाए। वो तो दिल से निकलती है, जो तुम्हारे लिए मेरे दिल से हमेशा निकलती है और निकलती रहेगी। मुझसे शादी करोगी सुमन? हमें भी माफ कर दो सुमन बेटा। अब जब बेटे की इज्जत पर बनाई तो समझ आया कि इज्जत तो किसी की भी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इज्जत तो उसकी जानी चाहिए जो दूसरों की इज्जत के साथ खेलते हैं, ना कि तुम जैसी लड़कियों की। सुमन बेटा मुझे भी माफ कर दो। असली मायने में आज पता चला कि असली इज्जत क्या होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है जैसे आप लोगों ने ड्रामा करके मेरी सो कॉल्ड इज्जत छीन ली, कोई ना कोई तिकड़म लगाकर आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस लौटा देंगे। मुझे यकीन है इस थाने की जादू की छड़ी पर। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने सुमन जैसी लड़की को खोने से बचा लिया। तो उसके लिए ये तो बनता है ना। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब तक हम थाने नहीं आ जाते आप किसी को कहीं नहीं जाने देंगी, तो फिर क्यों आपने करिश्मा सिंह को जाने दिया? मैडम सर आप जानती है ना करिश्मा जी कैसी, कितनी जिद्दी है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो हमारी एक बात नहीं मानी, अब क्या करें हम? तो कम से कम उनके साथ चली जाती या किसी को भेज देती उनके साथ, इस तरह से अकेले। मैडम सर क्या है? मैडम सर ये, हाँ दिखाओ। क्या ये, क्या ये एक नहीं चार चार कल्प्रिट है। करिश्मा सिंह की जान खतरे में। मां हिम्मत है तो बाहर आओ, सुबह से कान पे शोर मचा मचा के कान कुतर दिए हमारे। सामने आओ वरना बहुत मार लगाएंगे, बता रहे हैं। फोन का ही नहीं लग रहा। हमारी संतु जी ठीक तो है ना? फोन ही नहीं लग रहा है। रिजेक्शन फोन पे भी? ओह माय गॉड, का रिजेक्शन रे? का रिजेक्शन, फोन पे भी रिजेक्शन? संतु जी को फोन लगा रहे हैं, फोन लॉक हो गया, हमारा खुल नहीं रहा है। ओह झूठ पे झूठ, लॉक उठा दे रही है, खुल नहीं रहा है। लाओ मैं खोल देता हूँ, इधर लाओ। तुम कैसे खोलेगा? क्योंकि आई हैव डिग्री एमटीटी। एमटीटी डिग्री? म्युनिसिपैलिटी का टंकी साफ करने का कोई नया डिग्री आ गया है का रे? कैसर तुमको पुलिस में जब देखो एकदम गोबर दिमाग। तो एमटीटी? एमटीटी मींस मास्टर ऑफ ताला तोड़ू। हा बिलोटे, फिर तो एक डिग्री हमारे पास भी है। कौन सी? एमकेके। एमकेके ये क्या है रे? मास्टर ऑफ खोपड़ी खोलो, पीछे हड्डा हड्डा मार कर खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारा। आवाज करता है बट। अरे फोन क्या, पहले खोपड़ी खोलो। हे भोलेनाथ रक्षा करना, आज फिर अखबार में आया है हमारी बहू की राशि में राहु टहल रहा है। पता नहीं फिर आज किसकी शामत आ गई। और तो और ये भी लिखा है शिवजी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आप उनका ध्यान रखिए। मैडम
हेलो जी सर, जय हिंद। नहीं सर, आपका आवाज आ रहा, बताइए। जी हाँ सर, आप मैम सीट आईपी। फोन 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 है? फोन कहाँ है? माँ का फोन आया, आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अबे आवाज बंद कर वहाँ की, आवाज बंद कर। ले कौन है? इसकी सासू मैया की मैया। गाना बजा रहा। हेलो, गाना बजा रहा है? नवाब साहब का फोन लगा। मां, नवाब साहब का फोन। ए बक, नवाब साहब का फोन। हेलो, हेलो, हम कौन है वहां पे? अबे आवाज बंद कर। कौन है बे? ये कौन है वहां? नवाब साहब। हेलो, तुम भाई मैया की कौन? अम्मा बात करो ना, बात करो, बात करो। गाना का सुना रही हो बे? और इतना लाउड, फिर से कट गया हैं? हेलो अम्मा, तुम्हारे जिंदगी से संबंध खराब हो गया क्या? हाँ, धोएंगे तुमको, बता रहे, ऐसा मारेंगे ना तुमको, खोज निकालेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। ये टोपागिरी बंद करो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ थाने से ऐसे मस्ती करने का? हेलो, शांत शांत रहिए ना, सुबह सुबह शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए आजकल आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, शांत रहिए सर। चीते पूछ पर हमारा फोन नहीं खुल रहा, हम संतु जी से कैसे बतियाएं? अब हमें तो कुछ इसमें समझ में नहीं आता। आवाज बंद कर। मैं बाहर से है। बाहर से? वो हसीना मैडम भेजी है, उनके केबिन का पंखा खराब है ना। हाँ? सुनाई नहीं आ रहा है। पंखा खराब है ना भाई? हाँ, 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 अंदर है। मैं ये कौन है? ये हाँ। डार्क नॉवेल कैसे पढ़ू मैं? डिस्टर्बेंस ही है। शिवजी ध्यान रखना उनका। संतु जी पता नहीं क्या। मैडम बहुत शोर मचा रहे हो, बहुत शोर मचा रहे हो ना तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई शोर मचाने की? मैडम हिम्मत कैसे हुआ बे शोर मचाने का? हाँ, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारी? मैडम 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 हमने कुछ नहीं किया। तुमने ये क्या है? ये किस चीज का शोर है? वही हम कह रहे हैं, किस चीज का शोर है? अरे हम नहीं मचा, हम तो सुन भी नहीं रहे थे मैडम। तुम यहां से कटो, निकलो, जा जा। कहां से आ रहा है ये शोर? वही समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से इसके फिंगरप्रिंट। ये पुष्पा जी, ये शोर कैसा है? हाँ? शोर 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 किस बात का है? नहीं नहीं, हम बोर नहीं हुए। देखिए ना कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो शोर है ना, ये काम करने दे। तब आपने पता नहीं मैडम फिर आपने कौन से इलेक्ट्रिशियन भेजा है पंखा ठीक करने के लिए? हमने कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भेजा। क्या? हमने कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भेजा। ये कौन है? जी जी
शो रिलीफ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.